कश्मीर न्यूज सर्विस प्रेजेंट। People's Democratic Party president and also former अंदर पूछताछ हुई और दो मुद्दे थे। कैमरा खोलता पत अशित। एक ये था कि जो निजबियारा में हमारे मेरे मुफ्ती साहब के नाम पे जमीन थी वो बेची है, वो कैसे बेची, किस तरह बेची, कितने पैसे मिले, कौन सी लीड थी। दूसरा एज ए चीफ मिनिस्टर जो सीक्रेट फंड्स होते हैं कहाँ खर्च किया, जो आप विडोज को पैसा देते थे उन विडोज की लिस्ट कहाँ से आती थी, उनकी निशानदेही कौन करता था, या आपने यूथ एंगेजमेंट के लिए अगर कोई पैसा खर्च किया तो आप बताइए कहाँ क्या हुआ, उसका कैसे हुआ। तो मुख्तसरन अब इसमें तो कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है कि एनीबडी जो थोड़ा बहुत डिसेंट हैज बीन क्रिमिनलाइज्ड इन दिस कंट्री इज रूल्ड बाय इधर ईडी सीबीआई और एनआईए। या तो आप सेडिशन के लिए चार्ज हो जाते हो या तो आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्री का केस होता है। बाजी यहां से बाजी जो बात करता है उसके खिलाफ जो है इसी तरह ईडी का इस्तेमाल किया जाता है, एनआईए का इस्तेमाल किया जाता है। और जो 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 मुल्क है इस वक्त इट इज नॉट रनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज रनिंग अकॉर्डिंग टू अ पॉलिटिकल पार्टीज एजेंडा। बाजी यहां से बाजी उसमें आप बात नहीं कर सकते हो, मुंह नहीं खोल सकते हो। जो कोई बात करता है उसको हाउंड किया जाता है और ये बातें चलती रहेंगी। मैंने पहले भी कहा डिसेंट हैज बीन क्रिमिनलाइज्ड इन दिस कंट्री, जो भी आपको अपोज करता है या आपके खिलाफ कोई बात करता है तो उसको आप ईडीआई या एनआईए के जरिए या तो सेडिशन के चार्जेस लगाते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाते हैं। तो ये बातें मेरा ये है कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं और शायद यही वजह है कि इनको ढूंढते 2 साल लगे। और अब मेरे वालिद के नाम की ज़मीन, मेरे वालिद का मकबरा, उस पर पैसा कितना खर्च हुआ और जो आपका सीक्रेट फंड है वो बेवाओं के ऊपर किन बेवाओं को देते थे, कैसे देते थे, तो ये सारी चीज़ें मुझसे पूछी गई। तो जिस चीज़ के लिए हमारी पार्टी बनी है, पीडीपी बनी है, महबूबा मुफ्ती बनी है, इंशाल्लाह हम अपने जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारा एजेंडा है जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से, 370 को रेस्टोर करने के हवाले से। थैंक्स फॉर वॉचिंग कश्मीर न्यूज सर्विस।